मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो टॉडलर्स हैं, जो अभी ठीक तरह से चल नहीं सकते हैं, जिन्होंने अभी खाना खाना शुरू ही किया है, उनके लिए हम खिचड़ी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी खिचड़ी बनती है और बच्चे इसको बहुत खुश होकर खाते हैं। तो आइए देखते हैं कि खिचड़ी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। टॉडलर्स के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए मूंग की दाल। मूंग की धुली हुई दाल है, एक आधी कटोरी हमने मूंग की धुली हुई दाल ली है। और ये चावल है खिचड़ी वाले, बिल्कुल जो है टूटे हुए चावल होते हैं बासमती, वो हमने लिए हैं, वो भी हमने आधी कटोरी लिए हैं। जितनी दाल लेंगे उतने ही चावल लेंगे और साथ में हमने लेना है नमक। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपने मूंग दाल की खिचड़ी। ये मूंग की दाल हमने आधी कटोरी ली है, इसको हमने धोकर अच्छे से पहले से ही भिगो लिया है। और ये चावल भी हमने अच्छे से धो लिए हैं और उनको हमने पहले से ही एक घंटे पहले भिगो कर रखा है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे। अब प्रेशर कुकर के अंदर अपने ये आधी कटोरी चावल डाल लेंगे। चावल आधी कटोरी से ये थोड़े से कम है, आप चाहें तो पूरी आधी कटोरी ले सकते हैं। और ये आधी कटोरी जो है मूंग की धुली हुई दाल है, ये हम डाल लेंगे इसमें। इसमें डालेंगे पानी। हमने इस कटोरी का नाप लिया है पानी के लिए, ये हम डाल देते हैं। दो कटोरी पानी की डालेंगे, भरकर हमने दो कटोरी की पानी की डाल ली है। इसमें हम डालेंगे नमक। नमक हम डालेंगे बिल्कुल चुटकी भर, हमने ये जो है 1/3 स्पून नमक का लिया है। बच्चे जो हैं, हमें उनको जो अभी खाना जिन्होंने शुरू ही किया है उनको हमें ज़्यादा नमक नहीं देना चाहिए, इसलिए हमने नमक सिर्फ थोड़ा सा ही डालना है, सिर्फ जो है हल्का सा नमकीन टेस्ट देने के लिए, ज़्यादा नमक हम इसमें नहीं डालना। प्रेशर कुकर हमने बंद कर दिया है, नीचे से गैस को हमने खोल दिया है। हम इसमें 5-6 विसल्स आने देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। 7-8 विसल जो है हमारी तेज़ गैस पर ये आ चुकी हैं। गैस को हम हल्का कर देते हैं और 8 से 10 मिनट तक हम इसको हल्की गैस पे जो है पकाएंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हल्की गैस में रखेंगे, गैस को बंद कर देंगे और अपनी खिचड़ी को प्रेशर में ही रहने देंगे। बीच में आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, पानी को चेक कर सकते हैं कि पानी कहीं कम तो नहीं हो गया है, आपकी खिचड़ी जो है नीचे ना लग जाए, चल ना जाए, आप इसमें चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो इसको अब हम तब तक रखेंगे प्रेशर कुकर में जब तक इसका जो है प्रेशर है इस तरह से निकल जाए। चेक कर लेते हैं, इसका प्रेशर निकल चुका है। प्रेशर कुकर को खोलेंगे, खिचड़ी जो है चेक कर लेंगे। खिचड़ी हमारी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। इसको हिला लेंगे अच्छे से, खिचड़ी हमारी बिल्कुल बन चुकी है। अब ये देखिए, इसको अच्छे से हम इस तरह से मिलाएंगे ताकि पानी और दाल जो है वो मिक्स रहे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, तकरीबन आधी कटोरी। गैस को नीचे से खोल लेंगे। हल्दी ऑप्शनल है, आप चाहें तो हल्की सी हल्दी इसमें डाल सकते हैं अगर आप कलर थोड़ा सा अच्छा चाहते हैं तो। ये तो बच्चों को इस तरह से भी खिलाई जाती है, इस तरह से अच्छे से इसको मिलाते रहेंगे, इसको घोट लेंगे अच्छे से ताकि बिल्कुल ये अच्छी बारीक हो जाए। ये आप देख सकते हैं खिचड़ी हमारी अच्छी बारीक हो गई है, इसको अब हम सर्व करें। खिचड़ी हमारी बनकर तैयार है, इसमें हम कोई तड़का नहीं लगाएंगे, हम इसमें लाल मिर्च या कुछ कुछ भी नहीं डालेंगे, इसमें हम सिर्फ देसी घी डालेंगे। ऊपर से इस तरह से 1 चम्मच देसी घी का डाल देंगे और इसको हिला लेंगे। ऐसे तो हल्दी भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, आप चाहें तो इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का डाल सकते हैं। ये हमारी दाल बनकर तैयार है, आप बच्चों को इसे खिलाएं, बच्चे बहुत ही खुश होकर खाते हैं। याद रहे, नमक अगर आपको हल्का बहुत लग रहा है तो आप हल्का सा नमक इसमें और डाल सकते हैं। खिचड़ी जो है बिल्कुल मिली होनी चाहिए आपस में, पानी अलग और चावल अलग, दाल नहीं होनी चाहिए, इस तरह से अच्छे से घुली होनी चाहिए। इसको अच्छे से जो है हम करछी के साथ घोल लें, बहुत ही बढ़िया खिचड़ी बनेगी और बच्चे इसको बहुत खुश होकर खाएंगे। आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाकर देखिए
और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।